प्रिय दर्शकों, स्टार मून एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं टीसी गौतम एस्ट्रोलॉजर। आज हम विवाह के शुभ नक्षत्र माह तिथि वार के बारे में बात करेंगे। विवाह के 11 नक्षत्र होते हैं। वो नक्षत्र हैं मघा, मूल, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर साढ़ा, रोहिणी, हस्त्र, मृगशिरा, स्वाति, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये हमारे 11 नक्षत्र हैं और इनमें विवाह शुभ रहता है और इन्हीं में ही विवाह होता है। और माह हमारे जो हैं वो हैं माघ, फागुन, बैसाख, जेठ और आषाढ़। ये हमारे 5 महीने हैं, इनमें हमारे विवाह के शुभ कार्य होते हैं। तिथि, रिक्ता तिथि और अमावस तिथि, ये हमारे विवाह के लिए वर्जित हैं। तिथि रिक्ता चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी हैं और अमावस हमारी कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। ये तिथियां मंत्र तंत्र साधना के लिए अच्छी मानी गई हैं, लेकिन विवाह के शुभ कार्य के लिए ये वर्जित हैं। वार हमारे रविवार, मंगलवार और शनिवार, इन विवाह में, इन वारों में विवाह को शुभ नहीं मानते। बाकी चारों वारों में विवाह किया जा सकता है। और जन्म का जो नक्षत्र है और गंडात नक्षत्र, इन नक्षत्र में विवाह वर्जित होता है। ज्येष्ठ विचार, जैसे लड़का लड़की दोनों यदि घर में बड़े हैं और उनकी शादी अगर हो रही है तो हम जेठ के महीने में नहीं कर सकते, क्योंकि 3 जेठ इसमें हो जाते हैं, 3 जेठ अशुभ माने गए हैं। यदि एक लड़के का बड़ा है और लड़की मान लो उस घर में छोटी है तो उसमें हम विवाह कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जेठ के महीने में 2 जेठ बनते हैं, यानी 3 जेठ नहीं होने चाहिए। जेठ के महीने में विवाह अगर दोनों बड़े हैं, बच्चे हैं घर में, तो उनका जेठ के महीने में विवाह नहीं किया जाना चाहिए। और ये विवाह के सभी पहलू हैं, इनमें विवाह नक्षत्रों में और तिथियों में किया जा सकता है। तो आज इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।